हाय गाइस आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एम एस एक्सेल एम सी क्यूज एम एस ऑफिस में आते हैं है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसे जरूर देखिएगा आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल फिफ्टी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आएंगे चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल इनमें से कौन सा एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 2019 एक्सेल फाइल्स हैव डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर हम जो भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2007 से लेकर अब तक का उसका फाइल एक्सटेंशन यही है लेकिन अगर आपसे एग्जाम में 2003 एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन पूछता है तब आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर डोट एक्स एल एस और 2007 से लेकर के अब तक का जो लेटेस्ट वर्ज़न है उसमें लास्ट में एक्स एड हो जाता है ये आपको ध्यान रखना है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सेल का जो वर्कबुक होता है वो किसका कलेक्शन है करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर वर्कशीट एंड चार्ट्स विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद जब भी हम एक्सेल पे कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो किस सिंबल से हमारा सारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर इक्वल से हम सबसे पहले इक्वल लगाते हैं उसके बाद ही कोई फॉर्मूला लिखते हैं रो और कॉलम मीट होती है तो उसे क्या कहते हैं उस बॉक्स का नाम क्या होता है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर अ सेल उसे सेल कहते हैं आप सोचेंगे कि रो और कॉलम जहां पे मिलता है तो उसे बॉक्स कहते नहीं वो बॉक्स बनता है लेकिन उसका नाम होता है सेल ई डबल एल द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज जो एक्सेल वर्कशीट की फर्स्ट सेल होती है उसका नेम क्या है आप ये समझ लीजिए तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर आप देखिएगा ए वन लिखा रहता वहां पे वट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो अगर आप इंटायर रो को हाइड करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप इस काम को करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर कंट्रोल प्लस नाइन आपको प्रेस करना होगा इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन रिलेटेड है अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप इंटायर कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तब किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर कंट्रोल प्लस जीरो ये जीरो है इसे आप ओ मत समझिएगा इसलिए मैंने लिख दिया है तो अगर आप इंटायर कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस जीरो को प्रेस करना होगा टू सिलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन एम एस प्रेस अगर आप इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इनमें से किस शॉर्टकट की को आप प्रेस करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ नंबर ये जो तीन शॉर्टकट की दी है ये सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की नहीं है सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की हम आपको बता देते हैं कंट्रोल प्लस ए होता है व्हाट इज द सिंबल फॉर मल्टीप्लाइंग अगर आप कंप्यूटर में या एक्सेल में कुछ भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो किस सिंबल का यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर इस सिंबल का नाम है एस्टेरिस्क व्हाट इज द सिंबल फॉर डिवाइडिंग अब डिवाइड करने का कौन सा सिंबल होता है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर इसका नेम होता है स्लैश डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग आप स्पेलिंग चेक करने के लिए किस की का यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर एफ सेवन की का यूज करके आप स्पेलिंग एंड ग्रामर्स को चेक कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर एडिट आप जब भी स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो वहां पे देखिएगा आपको चेंज मिलेगा इग्नोर मिलेगा इग्नोर ऑल्स मिलेगा लेकिन एडिट नाम का कोई चीज वहां पे नहीं मिलेगा फीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ एम एस इनमें से कौन सा एम एस का टर्म नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर डॉक्यूमेंट फिस चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल एक्सेल पे आप किस चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की इन एक्सेल विल जब भी हम एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी को यूज करते हैं तो क्या होता है तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर फील डाउन इन दिलेक्शन इन ऑर्डर टू परफॉर्म a कैलकुलेशन इन अ स्प्रेड you यू नीड टू यूज जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन यूज़ करते हैं अपने स्प्रेड शीट में तो हमें क्या यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर फॉर्मूला हम छोटा सा भी कैलकुलेशन करने के लिए बिना फॉर्मूला का यूज़ किए नहीं कर सकते हैं यू कैन एड इमेज टू अ टेम्पलेट बाई क्लिकिंग द पिक्चर फ्रॉम अगर आप कोई भी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो आप कहां से कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर आपको जाना होगा इंसर्ट पे फिर आप पिक्चर में जाके कर सकते हैं फिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन देज सेटअप डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा ऑप्शन आप कहा नहीं पाते हैं पेज डायलॉग बॉक्स पे तो करेक्ट आंसर क्या होगा सेकेंड नंबर पेज ब्रेक प्रीव्यू ये आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पे नहीं मिलेगा बाकी तीनों options आपको वहाँ पे मिल जाएगा। होगा डेटा हाइपर लिंक्स कैन बी हाइपर लिंक्स हम कहां पे क्रिएट कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर आप किसी भी टेक्स्ट पे कर सकते हैं पिक्चर्स पे कर सकते हैं ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स पे भी कर सकते हैं इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ये सभी न्यू कॉमेंट ऑप्शन होता है वो किस टैब के अंडर में होता है तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर रिव्यू में जाके आप न्यू कॉमेंट को फाइंड कर सकते हैं इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज अपेयर इन जब भी हम एक्सेल्स पे कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो वो जो हमारा वैल्यू होता है वो किस साइड में होता है आप ये समझ लीजिए तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर राइट अलाइंट आप जब भी कुछ भी लिखेगा नंबर लिखने हम बोल रहे हैं तो वो देखेगा आप राइट right साइड में रहता है बाकी जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड से रहता है इन मैक्सिमम हाउ मेनी सीट्स कैन बी सेट एज अ डिफॉल्ट वाइल क्रिएटिंग न्यू वर्क बुक जब भी आप न्यू वर्कबुक क्रिएट करते रहते हैं उस समय पे आप मैक्सिमम कितने सीट्स को सेट कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर टू फिफ्टी फाइव वॉट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डेटा विद इन सीट विद इन सीट मतलब सीट के अंदर में अगर आप किसी भी डेटा को किसी डेटा से रिप्लेस करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर कंट्रोल प्लस एच ये रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है एक्सेल डिस्प्लेस द करेंट सेल्स एड्रेस इन द डैश जो एक्सेल होता है वो करेंट सेल्स के एड्रेस को कहाँ पे डिस्प्ले करता है तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर नेम बॉक्स में इसी से रिलेटेड है हमारा ये क्वेश्चन द नेम बॉक्स डैश इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर अपियस टू द फॉर्मूला बार जो नेम बॉक्स होता है वो फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है एक्सल सीट में आप इसे देखिएगाउजेंड नाइनटीन का जो एक वर्कशीट होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर रोज होते हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं तब इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर थाउजेंड थ्री एट्टी फोर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं हाउ मैनी करेक्टर कैन बी टाइप्ड इन अ सिंगल सेल इन एक्सेल जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं उसे कहते हैं सेल और एक सेल में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर को कितना टाइप कर सकते हैं तब इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर थर्टी टू थाउजेंड को आप एक सिंगल सेल में टाइप कर सकते हैं यू कैन एक्टिव अ सेल बाय डैस अगर आप किसी भी सेल को एक्टिव करना चाहते हैं तो किस ऑप्शंस का यूज करके आप कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर इन सभी ऑप्शंस का यूज करके आप कर सकते हैं फर्स्ट है जिस भी सेल को आप एक्टिव करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए सेकेंड है आप टैप की को प्रेस करके उसे एक्टिव कर सकते हैं और थर्ड है एरो की का यूज करके भी आप कर सकते हैं इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबब फीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक स्टेप इन द क्रिएटिंग अ वर्कशीट इनमें से कौन सा ऑप्शन एक वर्कशीट क्रिएट करने का बेसिक स्टेप नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ नंबर कॉपी द वर्कशीट बाकी ये जो तीन ऑप्शन है ये एक बेसिक स्टेप होता है कोई भी वर्कशीट क्रिएट करने के लिए डेटा कैन बी अरेंज्ड इन अ वर्कशीट इन इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग डैश अगर आप किसी भी डेटा को अरेंज करना चाहते हैं एक वर्कशीट में ऐसे कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कोई भी इंसान तो आप इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर इन सभी को आपको यूज करना होगा फर्स्ट है ऑटो फॉर्मेटिंग सेकेंड है आपको स्टाइल्स को अप्लाई करना होगा चेंजिंग फॉन्ट्स को भी आपको अप्लाई करना होगा सपोज अगर आप कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो उसमें मेन हेडिंग होता है फिर उसके सब हेडिंग्स होते हैं तो हम क्या करते हैं अलग यूज करते है, अलग फॉन्ट को यूज़ करते हैं अलग अलग कलर्स को यूज़ करते हैं ताकि कोई भी इंसान पढ़ के वो इजिली अंडरस्टैंड कर सके कि ये हमारा मेन हेडिंग है ये हमारा सब हेडिंग है तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर वॉट डज द वी लुकअप फंक्शन डू आपने एक्सेल में नाम सुना होगा एच लुकअप वी लुकअप तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वी लुकअप फंक्शन जो है उसका क्या काम है तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड रिलेटेड रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए हम वी लुकअप का यूज करते हैं इससे हम अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एंटर द डेटा इन अ सेल अगर आप जब भी सेल पे कुछ भी टाइप करते रहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शन का आप यूज नहीं करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर प्रेसिंग की की आप को प्रेस नहीं करते इससे क्या होता है बैक चले जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इंफॉर्मेशन डैश इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन को कट नहीं करता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट नंबर कंट्रोल प्लस सी ये कॉपी का शॉर्टकट की है इसका यूज करेंगे तो आपका जो भी डेटा रहेगा वो कट नहीं होगा बाकी जो तीन ऑप्शन है अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो वो कट हो जाएगा वी कैन सेव एंड प्रोटेक्ट दर्क बुक बाय यहाँ पे सेव का मतलब है बचाना वो सेव नहीं जो हम फाइल में जाके नेम लिखते हैं सेफ का मतलब है कि आप अपने एनिमी से अपने वर्क को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैसे बचा सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर एनी ऑफ अबब इन तीनों में से किसी भी ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट है प्रोटेक्शन पासवर्ड लगा सकते हैं आप रीड ओनली का मतलब होता है कि आपके उस वर्कबुक को सिर्फ वो रीड कर सकता है कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है और थर्ड है राइट रिजर्वेशन पासवर्ड का भी यूज़ करके आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विच सेटिंग यू मस्ट मोडिफाई टू प्रिंट अ वर्कसीट यूजिंग लेटर हैड जब भी हम किसी भी वर्कबुक को प्रिंट करते हैं लेटर हेड को यूज करके तो हमें क्या करना पड़ता है थर्ड मार्जिन में मोडिफिकेशन थोड़ा सा करना पड़ता है यू एक्सीडेंटली इरेज अ रिकॉर्ड इन दीट विच कमांड कैन बी यूज टू रिस्टोर इट ऑटोमेटिकली सपोज आप एक्सेल के किसी वर्क बुक पर काम कर रहे हैं और आपने जो भी डेटा लिख के रखा है वो आपसे गलती से डिलीट हो गया अब उसे आप फिर से लाने के लिए किस कमांड का यूज़ करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर अंडू कमांड कहते हैं इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो जो भी डेटा आपका डिलीट हो गया था वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के स्क्रीन पे आ जाएगा उस सीट पे आ जाएगा नोट एंड और ये ये सब जो होते हैं क्या है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर लॉजिकल ऑपरेटर्स एमएस एक्सेल कैन बी यूज टू ऑटोमेट डैश एक्सेल जो होता है उसे ऑटोमेट करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का यूज करके किया जा सकता है ऑटोमेट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वचालित करना तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर एनी ऑफ अब अब देखिए फर्स्ट है ट्रांजेक्शन रजिस्टर्स इन्वेंट्री कंट्रोल सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस फोरकास्टिंग और लास्ट है अकाउंट्स अकाउंट और अकाउंट्स पेबल इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू सीट इन द करेंट वर्क बुक अगर आप करेंट वर्कबुक में न्यू सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर शिफ्ट प्लस एफ इलेवन आपको प्रेस करना होगा स्विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डैश इनमें से कौन सा सही है तो करेक्टर होगा तीनों तरीका सही है फॉर्मूला नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इनमें से किस फॉर्मूला को एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर पाएगा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर टेन प्लस फिफ्टी अगर आप लिख के छोड़ देंगे तो एक्सेल इसे कैलकुलेट नहीं कर सकता है एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको इक्वल टू यूज करना पड़ता है तभी आपका कैलकुलेशन डन होगा यू कैन यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड हम किस लिए यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर ए एंड बी दोनों के लिए कॉपी सेल कंटेंट और मूव सेल कंटेंट के लिए टू इंसर्ट थ्री कॉलम्स बिटवीन डी एंड ई यू वुड डैश देखिए ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है कि अगर आप डी एंड ई के बीच में तीन कॉलम और इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किस ऑप्शंस का यूज़ करना चाहेंगे तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर आपको सिलेक्ट करना होगा ई e, एफ एंड जी किसके बीच में कॉलम इंसर्ट करने के लिए डी एंड ई इसे आप प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा तभी आपका डाउट क्लियर होगा और आपको याद भी रहेगा एरिया इन एक्सेल विंडो अलाउस इंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला इनमें से कौन सा एक्सेल का विंडो है जो हमें अलाउ करता है कोई भी फॉर्मूला और वैल्यूज को लिखने के लिए तो करेक्ट आंसर होगा फॉर्मूला बार फॉर्मूला बार में आप कोई भी फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं और किसी भी वैल्यू को भी एंटर कर सकते हैं लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज है और आज का लास्ट क्वेश्चन है एम एस एक्सेल इज बेस्ड ऑन डैश किस पे बेस्ड है तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर विंडोज पे तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें